brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. कुछ किए नहीं भाइयों बहनों, क्या किए भाई और बहनों के लिए? एक काम है प्रधानमंत्री का, सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिए इस व्यक्ति ने कि जेल भेज देंगे, तो क्या कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद में बंद कर देंगे। तो 17 साल में वो क्यों नहीं किए? और आप सब लोगों ने अपने आंख से देखा होगा विधानसभा में प्रस्ताव किसने दिया था प्रधानमंत्री से मिलने का, और ये भी प्रस्ताव किसने दिया था अगर वो मना करेंगे तो राज्य सरकार अपने पैसे पे कराए। यार आप सब लोग जानते हैं, सब कुछ सबूत है, सारी घटनाक्रम को आप लोगों ने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है। किसने प्रस्ताव दिया था? तो हम आप ही से पूछते हैं, एक बार नहीं दो बार किसने प्रस्ताव दिया? हम ही ना दिए थे भाई। और दूसरा प्रस्ताव भी यही था कि अगर नहीं होगा तो अपने बिहार सरकार अपने बलबूते करेगी, और हमने कहा था नहीं आएगी तो हम कराएंगे, और हमने आकर के करवाया। और यही नहीं, लेकिन ये बात तो साबित हो गया ना कि भाजपा के लोग नहीं चाहते थे, ये बात को भी थोड़ा बताना चाहिए ना कौन क्या बोलता है। प्रधानमंत्री जी को तो हमने चिट्ठी लिखा है और तथ्यों की जानकारी दी है, थोड़ा ज्ञान वो भी वृद्धि कर ले इन तथ्यों को देखते हुए। यहाँ आ करके खाली झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब सबूत के साथ भेजे, थोड़ा ज्ञानवर्धन कर ले प्रधानमंत्री, और यहाँ आकर के हमको धमकी दे रहे कि जेल भेज देंगे। ये कोर्ट से ऊपर हो गए हैं क्या? ये तो ये साबित हो गया कि एजेंसियां इनके हाथ में, जिसको मन करेगा उसको भ्रष्टाचारी बना देंगे, जेल बंद में बंद कर देंगे। और जिसको नहीं मन किया, जैसे महाराष्ट्र में केस खत्म करा दिया, मंत्री बना दिया, यही काम है प्रधानमंत्री का? खिलौना बना दिया क्या एजेंसी को प्रधानमंत्री ने? कहने का तत्पर तो यही है कि सीबीआई ईडी प्रधानमंत्री का कठपुतली है, खिलौना है, जांच एजेंसी का कोई वैल्यू नहीं है, जांच होती ही नहीं है, खाली प्रधानमंत्री का मन किया इसको उठा लो उसको छोड़ दो, इसको उठा लो उसको छोड़ दो, यही काम है प्रधानमंत्री का? सारे हमारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद कर दिया इस व्यक्ति ने। ये बिहार है, और नौजवान जो नौकरी देने की बात करता है आप उसको जेल भेजने की बात करते हैं, जिसने नौकरी दी उसको जेल भेजने की बात करते हैं। इतना नफरत है इनको युवाओं से, इनको इतना नफरत है नौकरी देने से, ये साबित हो गया। नौकरी को लेके आपने जो बात कही थी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि नौकरी तो देगा लेकिन जमीन किससे लेगा? अच्छा, किसका जमीन ले लिए 5 लाख में से? अरे 5 लाख नौकरी मिला ना, किसका लिए? जरा आदमी खड़ा कर दो। सब फालतू का बात, यहाँ कुछ पच नहीं रहा बोलने के लिए, 10 साल कुछ किए नहीं। भाइयों बहनों, क्या किया भाई और बहनों के लिए, या मित्रों के लिए क्या किया? यहाँ के बकैती करने से नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी, काम का हिसाब देना पड़ेगा। एक नौजवान 34 साल युवा बिहारी से डर गए? हिसाब दो हिसाब। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनाव के बाद 1 लाख नौकरी देंगे और विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख जो नौकरी का वादा था वो पूरा हो। वही प्रक्रिया थी जो हम करके आए हैं, तो असंभव है, कहाँ से लाएगा? अपने बाप के पास से लाएगा? संभव कैसे हो गया? मुख्यमंत्री जी तेजस्वी ने कुछ सिखाया, कुछ बताया, उसी के पैटर्न पे चल रहे हैं ना? वो तो छोड़ो, आज कह जो जानता भी नहीं था कख वो बोल रहा कि हम दे देंगे, समझ रहे हैं? ये है तेजस्वी की ताकत, ये तेजस्वी की ताकत है। इन्हें बोलेंगे तो एमपी बनते हैं,
अरे नहीं बोलेंगे तो एमपी बनते जी। चलिए।